नमस्कार, मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। फिरोजाबाद में आए बीजेपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होकर बात की और व्यापारियों को साथ लेकर जीएसटी पर भी बात की। वहीं नगर विधायक पर हुए हमले पर कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द ही उनका पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि सफल पत्रकारिता वो है तो सच को सच कहे, तो सही को सही कहे। आज जीएसटी का विषय जो है उन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गया। संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों ने इसको स्वीकार किया। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में अब तक हम 3000 से ज़्यादा जीएसटी के पक्ष में व्यापारियों के साथ गोष्ठियाँ करते हैं। लगभग 5 लाख व्यापारियों ने उसके अंदर जो है वो अभी तक पार्टिसिपेशन किया। जितनी जिज्ञासाएँ समय समय पर व्यापारियों के द्वारा उठाई जाती है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो प्रत्येक माह हो रही है, आवश्यकता पड़ने के पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हम उसको निस्तारित करते हैं, कोशिश करते हैं कि व्यापारियों के लिए इसकी असुविधा ना हो। दूसरा प्रश्न जो आपने किया उसका सफल सबसे बड़ा उत्तर है कि ये एक कल्पना थी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी की, भारतवर्ष एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र में एक कर, एक प्रकार का कर होगा। व्यापारी की आज तक समस्या थी कि 17, 18, 20 प्रकार के जो वो उसके ऊपर टैक्सेस हुआ करते थे, इंस्पेक्टर राज हुआ करता था, इंस्पेक्टर से वो परेशान होता था, इंस्पेक्टर कभी आ जाता था, कभी उसका कारिंदा कोई आ जाता था, कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था। ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें समाप्त, जिसे सिंपल वर्क जो सीधे सीधे जो है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं एक चीज़ आपके लिए बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज हाई स्कूल का बच्चा आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी हो सकता है, वो जानता है कि ऑनलाइन जो है वो फॉर्म को कैसे भरा जाए। हर चीज जब किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाती है, एक में दूसरे से परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को थोड़ा सा समय लगता है और समय में हाथ पैर नहीं छोड़े जाते, उसको समझा। जहाँ तक विधायक जी के ऊपर हमले का प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया है, छोटी छोटी घटनाओं का संज्ञान लिया है। तो आप तो फिरोजाबाद में रहते हो, फिरोजाबाद में आज तक क्या होता था, क्या हुआ है? मैं डिप्टी स्पीकर था, उसी दिन यहाँ पर जो है वो अपहरण करके लेके गए थे और मैं सड़क पर निकला था डिप्टी स्पीकर के बाद। डीजीपी को मैंने कहा था कि ये लोग जो यहाँ पर जो है, जो आपका एडिशनल एसपी है, यही व्यक्ति एक ऐसा है जो यहाँ पर फिरौतियों के लिए जो है वो लोगों की किडनैपिंग करता है। इस प्रकार का एक वातावरण था, तो वातावरण से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। अभी तो 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, आप देखिए तो सही हम किस तरह का वातावरण बनाने जा रहे हैं। राज्य के ऊपर हमला हुआ, फिर SMS अब आ रहा है, तो क्या लग रहा अपराधियों को जरा भी होप नहीं है? ये आपका सोच है, वो अच्छा कर रहे हैं, SMS दिया है, हमको पहुंचने के रास्ते बता रहे हैं।